राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरोड़ी में इको क्लब के तहत पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर बच्चों ने अध्यापकों के साथ स्कूल परिसर के अलावा गांव में सैकड़ों छायादार व फलदार पौधे रोपित किए। इस अभियान बारे जानकारी देते हुए स्कूल के अंग्रेजी प्रवक्ता पवन रोहिला ने बताया कि बच्चों को घरों में भी पौधे लगाने के लिए भेंट किए गए ताकि वह खाली पड़ी जगह पर पौधे रोपित कर पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग कर सके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापा में विभागीय निर्देशों से चल रहे 7 दिवसीय समर कैंप के दूसरे दिन विद्यार्थियों को टिकाऊ खाद्य प्रणाली अपनाने के विषय को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। गणित प्राध्यापक योगेश शर्मा ने बताया कि हमें टिकाऊ खाद्य प्रणाली अपनानी चाहिए जो कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है, जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा का कार्य करती है और उन्हें पोषण उत्पन्न करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आधारों से समझौता न करना सिखाती है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।